ऐसे पिगमेंटेशन पैचेस अगर आपकी स्किन में है, ऐसे पिंपल्स रेडनेस जो स्किन पे हो जाता है, ऐसे डार्क सर्कल अगर स्किन पे आपके हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। सबसे पहले एक बोल में हनी लीजिए, उसके बाद उसमें डालिए ग्रीन टी। ग्रीन टी आज मेन इंग्रेडिएंट्स है। ग्रीन टी में ह्यूज ऑक्सीजन होता है जो स्किन को हाइड्रेट रखता है। उसके बाद इसमें हम लेमन ऐड करेंगे। लेमन यह ब्लीच की काम करेगी, अगर पिगमेंटेशन है वो तो कम करने की मदद करेगी आपको। ये सब मिक्स कर लेंगे। आप जाके गूगल करेंगे ना, ग्रीन टी का इतना बेनिफिट है, हम बोल के भी आप लोगों को समझा नहीं सकते, इतना अच्छा होता है। अगर आप चाहें तो 7 डेज ही आप स्किन पे ग्रीन टी अप्लाई करना, उसके बाद आपको मैजिकल रिजल्ट मिलेगा और एक प्रॉब्लम का सलूशन हो सकता है ग्रीन टी। चाहे तो ऐसे टोनर भी रेडी कर सकते हैं, कैसे करना पड़ेगा वो मैं दिखा रही हूँ। तो ग्रीन टी जैसे पीने के लिए रेडी करते, गर्म वाटर में उसमें ग्रीन टी पैक डाल दिया मैंने, उसके बाद ग्रीन टी का पूरा कलर आ चुका है पानी में। तो ये वाला थोड़ा कूल करना पड़ेगा, मतलब जो रूम की टेम्परेचर होता है उसमें थोड़ा लेमन दे देंगे। तो ये वाला जो रेडी हो गया ग्रीन टी का टोनर, बॉटल में डाल के 7 डेज और 10 डेज के लिए आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। विदाउट फ्रिज मत रखना, ये बैक्टीरिया हो जाता है उसके अंदर, तो फ्रिज में स्टोर करना पड़ेगा। फिर जब भी आप फेस क्लीन करेंगे, टोनर की जगह ग्रीन टी अप्लाई करें, तो ओपन पोर्स प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, पिंपल्स सब के लिए हेल्प करता है। अच्छा टोनर है, किसी भी मार्केट में ख़रीदा हुआ टोनर से बहुत ही अच्छा टोनर है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। स्किन के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उससे जो पिंपल होता है वो बैक्टीरिया से फाइट करके स्किन में पिंपल होने से रोकती है। तो मेरा हिंदी थोड़ा गड़बड़ है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। आज का वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।